हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट वर्ल्ड। आज मैं आपको मूज केक बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाया जा सकता है। और घर के ही सामानों से हम इसको आइसिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलें बनाते हैं चॉकलेट मूज केक। इसके लिए हमें दो ओरियो बिस्किट चाहिए। आप चाहे तो कोई भी चॉकलेट फ्लेवर क्रीम वाला ले सकते हैं। और इसकी हमें क्रीम को अलग करके और बिस्किट्स को अलग करना है। क्रीम को हमने अलग करना है सारे बिस्किट्स के दोनों पैकेट के और इसके चॉकलेट्स को, क्योंकि हमें ये हमारा ये केक टिन है, इसी के मेजरमेंट के हिसाब से हमें दो ओरियो बिस्किट हमारे लग जाएंगे। अब हम ये बिस्किट्स को एक पॉलिथिन में डाल के इसको क्रश करेंगे अच्छे से। इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, हमें इसको क्रश करना है। इसका क्रश करने के बाद इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है आइसक्रीम में, सॉरी इसका टेक्सचर केक में बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारा ये अच्छे से क्रश हो गया है, हम देख सकते हैं इसको। और थोड़ा हमें करना पड़ेगा इसमें, ये देखिए हमारा क्रश हो गया। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। अब हमें ये टिन में ऑयलिंग करके अब इसमें केक टिन में ऑयल लगा देंगे। और हमारे पास बटर पेपर है, इसको लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल प्लेन व्हाइट शीट पेपर भी चल सकता है। और इसमें अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। हमारा ऑयलिंग हो गया। अब हम ये जो हमारा जो क्रश किया हुआ और ये बिस्किट्स का बटर मिला हुआ, इसको हम इसमें डाल देंगे। टैप कर देंगे, इक्वली सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। पेपर को ऐसे टैप करके और हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिजर में रखेंगे। तब तक हम बाकी केक की तैयारी करेंगे। अब हम 80 ग्राम्स हम बटर लेंगे। ये होममेड बटर है, आप चाहे तो बाजार का भी ले सकते हैं अमूल का। और हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब हमने इसमें 1/2 कप मिल्क में डाला है, ये भी होममेड है। मैंने पिछले वीडियो में ये बनाना बताया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीकों से 15 मिनट में ही ये बन जाता है और हमें मार्केट से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे और कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो भी आपको देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। इसको हमें तब तक करना है जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी ना हो जाए। ये हमारा पेस्ट कलर इसका चेंज हो गया। अब हम इसमें 1 कप और 1/4 कप मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ में अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा। मैंने आपको बताया खाने वाला सोडा मैं पैक करके रखती हूँ ताकि वो
खराब ना हो जाए। हाफ बेकिंग सॉरी खाने वाला सोडा, उसको हम थोड़ा सा बाद के लिए रखेंगे, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। इसमें हमने 1 कप दूध लिया है, धीरे धीरे हम ये दूध मिलाते जाएंगे। मैंने पहले भी बताया है कि केक को हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलाना चाहिए। देखिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और फिर बीटर से एक बार फिर हम इसको बीट करेंगे और बचा हुआ हिस्सा और डाल देंगे। और इसमें बाकी बचा हुआ दूध भी मिला देंगे। अगर दूध कम हो तो आप और भी थोड़ा दे सकते हैं। थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर मिलाएंगे। हमने मिल्क में डाला है लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीनी पसंद लोगों को अच्छी लगती है इसमें, क्योंकि ओरियो बिस्किट का थोड़ा फ्लेवर वैसा आएगा, इसलिए हमें चीनी इसमें थोड़ा सा डालनी है। ये मैंने कढ़ाई प्रीहीट के लिए रख दी है, जब तक हम बीट करेंगे कढ़ाई में प्रीहीट हो जाएगा, हम उसको मीडियम फ्लेम में प्रीहीट करेंगे। देखिए हमारा ये बीट अच्छे से हो गया है, इसकी ये अच्छे से ये बीट हो चुका है, ये हमारा रेडी है केक टिन में जाने के लिए। अब हम फ्रिजर में से केक टिन लाके उसमें डालेंगे। इसके इसके लिए हम पहले इसमें वनीला एसेंस भी डाल देंगे। ये हमने 1 चम्मच वनीला एसेंस डाला है। अब हम इसको एक बार और बीट करके इतना लिक्विड इतना पतला ये होना चाहिए। अब हम हमारा ये केक टिन भी हमने फ्रिजर से निकाल दिया है। अब हम इसको चारों तरफ घुमाते हुए अब हम इसको अच्छे से 2 से 3 बार घुमाते हुए टैप करेंगे और अब हम इसको बेक करने के लिए कढ़ाई के अंदर रख देंगे। हमने इसको कवर कर दिया है और 40 to 45 मिनट्स हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। बीच में एक बार 40 मिनट्स में चेक कर लेंगे कि हमारा अच्छे से बेक हो रहा है नहीं, टूथपिक या नाइफ की हेल्प से हम इसको चेक करेंगे। अब हम ये केक हमारा रेडी हो गया है 45 मिनट्स बाद, उसमें से ये पेपर हटा देंगे। ये हमारे पास केक का बेस है नीचे का, अब हम इसको इस पे रख के हम प्लेट से इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए हमारा केक तैयार है, अब हम इसको थोड़ा ठंडा होके इसमें हम आइसिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें मूस की तैयारी करनी है। मूस बनाने के लिए हमें मैंने 1 कप ये दूध लिया है, इसको हम चढ़ाएंगे गैस पे। तब तक हमारा दूध एक बॉईल हो रहा है तब तक हम ये मेरे पास 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, इसमें हम 1/2 कप पानी डाल के इसको एक पतला घोल बना के साइड कर लेंगे। अभी देखिए ये बॉइल्ड हो गया है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, ये समझिए कि टेबल स्पून हमारा है, और इसको हम डाल के चलाएंगे जब तक थोड़ी थिकनेस इसमें ना आ जाए। अब हम इसमें
एक टेबल स्पून शुगर भी ऐड कर देंगे, और जो हमने कॉर्नफ्लोर का पानी बनाया था कॉर्न स्टार्च का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब लगातार हम चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। देखिए हमारी थिकनेस इसमें, कोको पाउडर ऐड करेंगे और उसको लगातार हम चलाते जाएंगे। ये हमारा दूध गर्म है तो उसी में ये मिक्स हो जाएगा। ये हमारा देखिए चॉकलेट मूस रेडी हो गया है। अब हम इसमें इसमें चोको चिप्स ऐड करेंगे, और आप चाहें तो और भी कोई फ्लेवर की चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं। और साथ में हमने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हमने ऐड करी है, इसका टेक्सचर डाल के बहुत अच्छा आता है। अब हम ये हमारा जो केक टिन था उसको ग्रीस करा ही हुआ था, और ये बटर पेपर लगा हुआ ही है उसी में हम इसको डालेंगे। और फ्रिजर में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम चम्मच की हेल्प से ये चॉकलेट और चिप्स अच्छे से मिला के उसको इक्वली स्प्रेड कर देंगे, और उसको फिर हम फ्रिजर में रख के इसको ठंडा करेंगे। अब ये हमारे पास ओरियो की जो मैंने क्रीम निकाल के रखी थी उसको हम बीट करेंगे, तो हम इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर मिलाएंगे और 2 चम्मच आइसिंग शुगर। अभी हमारा ये पेस्ट तैयार है। अब हम 1 कप सॉसपैन में दूध डाल के हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे, और ये मिक्सचर हम इसी में मिलाएंगे। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है 1 चम्मच हम और मिला सकते हैं कोको पाउडर, थोड़ा सा हमें डार्क फ्लेवर चाहिए तो हमने 1 टेबल स्पून और मिलाया है, और साथ में 1 चम्मच बटर मिलाएंगे और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जो हमारा कॉर्नफ्लोर था वो हम डाल के इसको चला देंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमने कॉर्नफ्लोर ऐसे डाला है, चाहे तो आप पानी में मिक्स करके डाल सकती हैं जिससे कि इसमें लम्स नहीं पड़ता, और इसको लगातार चला रहे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए हमारा चॉकलेट से थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट और करेंगे ये फिक्स हो जाए। ये देखिए हम हमारी चॉकलेट सिरप तैयार है, केक में रेडी हुए लगाने के लिए, ये आइसिंग के समय यूज होगी। अब हम केक को हाफ कर लेंगे, मैंने केक को हाफ कर दिया है। अब ये हमारा चॉकलेट मूस थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा है लिक्विड, ध्यान से हम इसको, इसी के शेप का है इसलिए हम इसको 3 को पलट देंगे इसके अंदर, और ऐसे थप थप करके इसको धीरे से निकालेंगे। अब हम धीरे धीरे इसको इसमें से हटाते हुए हटा देंगे, और इसको इक्वल कर देंगे। हमारा ये हो गया। अब हम इसमें दूसरी लेयर जो केक की है ऊपर रख के आइसिंग करेंगे। ये हमारे पास विप क्रीम है, अब हम इसको अच्छे से बीट करके आइसिंग के लिए रेडी करेंगे। अब इसमें देखिए हमने क्रीम लगा दी है, इसको अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे। अब थोड़ा सा हम इसको चिकना करने के लिए हम गैस पे नाइफ को हल्का सा गरम करके इसके ऊपर ऐसे करके लगाएंगे जिससे कि ये क्लीन हो जाए।
ये देखिए, और इसके चारों तरफ भी हम इसको घुमा देंगे जिससे कि ये हो जाए अच्छे से। बाकी एक्स्ट्रा हम उसको साफ कर देंगे। अब हम ये जो चॉकलेट सिरप लगाया है इसको इस पे डाल देंगे। देखिए, तो हम इसमें आइसिंग करने के लिए मैंने बटर पेपर के पतले पतले स्ट्रिप को काट के धीरे से केक पे लगा दिया है। अब हम इसमें आइसिंग शुगर से इसकी आइसिंग करेंगे। देखिए, हमने सब जगह आइसिंग शुगर को डाल दिया है। देखिए, अब मैंने ये डेरिक मिल्क इसमें स्प्रेड कर दिए और इसमें अब चेरी का यूज हम कर रहे हैं। चेरी से हम अच्छे से सजा देंगे इसको। इसको चारों तरफ हम इसकी चेरी लगा देंगे सर्कल में। देखिए, हमने चेरी को चारों तरफ सजा दिया। हमारे पास ये चॉकलेट बॉल्स है उसको हम इन, ये हमारे पास जो चॉकलेट सिरप था इसमें हम इस बॉल को डिप करके यहाँ हम इसको फिक्स कर देंगे। जिससे कि ये फिक्स हो जाए थोड़ा। देखिए, ये देखिए हमने चॉकलेट बॉल्स इसमें लगा लिए, इसको डेकोरेट कर लिए। आप और भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, अब इसको हमने चॉकलेट और चेरी से इसको डेकोरेट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने दो केक आपको डेकोरेट करके दिखाए सेम उसी तरह। उसमें मैंने शुगर आइसिंग ऊपर की थी, इसमें मैंने चॉकलेट जेली लगाई है और बीच में मैंने इसको चॉकलेट और चेरी से सजा दिया है। इस तरह आप इस केक को घर में ही अच्छे से बिना क्रीम के सजा सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।